अंडरवेयर तक सबको पता है कौन सी पहन के आता हूँ। बड़ी खतरनाक गाड़ी चलाई और पूरी लंबर की निकली फीलिंग आ रही थी। क्या सकता हूँ भाई साहब, इतनी पुर्जी थी मेरे पास। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप कि आप सब बहुत अच्छे होगे। तो गाइस आज जैसे कि हमारा सेकंड बोर्ड एग्जाम जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का, और इसकी तैयारी हमने काफ़ी ज़्यादा कम रखी हुई है, तो इसलिए मुझे टेंशन भी ज़्यादा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैंने रात को पढ़ लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं, 11 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जल्दी से निकलते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम हमारा रह ही जाएगा। और प्रार्थना करो मेरे लिए कि एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। ऑल द बेस्ट बोल देना कमेंट सेक्शन में। चलो चलते हैं। तो गाइज़ अभी जैसा कि मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे सतवारी। वहाँ पे हमें हमारा एक दोस्त ज्वाइन करेगा, क्योंकि किसी के साथ जाओ तो मतलब रास्ते में बात करने वाला हो जाता है। तो हाँ चलो फटफट से चलते हैं। तो गाइज़ तो अभी जैसा कि हमने लिया एक पेन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी। मेरा जो पुराना पेन था ना, वो रुक रुक के चल रहा था। और अभी मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, वो कहता है कि मुझे अभी 10 मिनट और लगेंगे, तो अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मनियन बैंकिंग तो आता होगा? आता है कुछ? ओए आता कुछ? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आता कुछ पेपर? मनियन बैंकिंग तो आता होगा। पकड़ पकड़ एक मिनट कॉपी। गाइज ये देखो, मतलब अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हो ना, तो इसे एक बार देखो। हो गया हो गया हो गया हो गया। तू तो पढ़ा नहीं है, जिसने नोट्स बनवाए दिखा रहा है। मतलब हम भी ना वो जिसने रोबोट देखी है मूवी, कैसे करते हैं? हो गया हो गया। तू ही कर एक बार ऐसे। हो गया। टाइम लगता है इकोनॉमिक्स में ना, सबका एक ही हाल है। और ये ना ठीक है, चलो भैया। क्या दिल कमजोर है? दिल मेरे कि मैं तो संभाल के बैठना, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। दिल टूटा हुआ धीरे चला। एक्सपीरियंस है ना भैया, पूरा चलाने का। यूट्यूब चलाते हो? मेरा चैनल है, उसके 100K सब्सक्राइबर्स है। आप कितना कमा लेते हो इससे रोज का? अरे जितने भी बंदे हैं ना, गाड़ी तो है नहीं किसी की। अच्छा, मालिक की होती है। अच्छा, तो उसको देना होता 400। अच्छा 400 देना होता, बाकी ऊपर से आपका। अच्छा, मतलब 1-2 हज़ार तो हो जाता होगा? नहीं हो पाता, कटअप हो गया ना। हाँ कोई 6-7 रुपये। ऊपर से कि वो सब मार्जिन मिला के हम वो दोनों इकट्ठे कर। अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इस पर। 200-300 रुपया हमारा। अच्छा, इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है ना, ये पलट भी जाता है, मैंने सुना है ना, पलट भी जाता है, रिस्क भी है काफ़ी ज़्यादा। आसमान की ऊंचाइयों में, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में4-2-6। और भैया बड़ी खतरनाक गाड़ी चलाई यार, पूरी लंबर की निकली फीलिंग आ रही थी। चलो ठीक है, चलो। और भैया ठीक हो? ठीक है, तू ठीक है? Who is this? कौन है तू? ये कट कर दे। क्यों नहीं? ठीक है, तैयारी की है पेपर की? हाँ, तेरी वीडियो नहीं आई कोई? आई तो थी, तुमने देखी? कहाँ? कल ही तो किया अपलोड मैंने। आजकल YouTube ने नोटिफिकेशन बंद कर दिया है ना? YouTube ने नोटिफिकेशन बंद किया, तूने बंद किया होगा। अभी साल है। क्या? क्यों यार, कौन है तू? तू तो यार भूल ही जाता है। नहीं यार, मैं कहाँ भूलता हूँ आपको। तूने यार आज सब्सक्राइब करने को भी नहीं बोला। किसको? चैनल को। उस दिन बोला था ना? उस दिन बोला था ना, आज तो नहीं बोला। चलो गाइस, आज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारा इकोनॉमिक का पेपर पास का पेपर आज, जो हमको इससे नफरत है हमको बहुत ज्यादा। और
सो आपके पेपर कब है वो तो पूछ इनको पूछा था मैंने वो बता देंगे कमेंट में कमेंट सेक्शन में जरूर और रामू क्या हाल है ठीक है जो हमारा पेपर है वो बता देगा आपको ठीक है हाँ मैं किसी को नहीं बताता नहीं बताना नहीं बताना क्यों नहीं यार बताना पड़ेगा ठीक है गाइस मतलब जब साल भर नहीं पढ़ाओ ना आपने और आखिरी दिन जाके आप कॉपी उठाओ तो ये वाला हाल होता है मेरे तो आपके पास है कुछ कहने के लिए मेरे पास बस फेल होने वाले हैं फेल होने वाले और रामू तो कुछ कह सकता है कुछ नहीं बोल सकता भैया मेरी बोलती बंद है आगे कैसे कैसे इसकी वजह से क्या है ये इकोनॉमिक्स है मतलब पैसा ही पैसा है इस पे पैसा ही पैसा होगा ऐसा कहाँ है यार सारे पैसे तो ये ले गया और क्या 500 रुपए की किताब है गाइस 500 है ना वो भी सर की स्पॉन्सर्ड जो तू क्या कहना चाहता है इकोनॉमिक्स के बारे में क्या हालत तंजोत प्यारी समझ गई तंजोत तो आपके क्या विचार हैं इस विषय के बारे में तो गाइस तो अब हम प्रस्थान कर रहे हैं अपना एग्जाम देने के लिए अब मैं मिलता हूँ एग्जाम के बाद So guys, अभी हम फाइनली एग्जाम देके भी आ चुके हैं और मतलब कैसा हुआ मतलब थोड़ा हल्का मतलब क्या बोलूं मैं बेकार सी हुआ थोड़ा देखा जाए तो कर दिया जैसा भी हुआ नंबर आ जाएंगे मेरे 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए आदिल बोल रहा था सारे करूंगा वो बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है और इन्होंने ऑटो भी बुला लिया अंकल जगह खाली सही है सही है बिठाओ बिठाओ डेट नंबर नंबर आ गया बारह नंबर आ गया बड़े मोटे लोग बैठे टेबल सारी जगह 0000 श्यामा अंकल कौन सा क्लेम आ जाता है तो गाइस तो अभी हम दो बिछड़े हुए दोस्त अपना बेकार सा पेपर दे के आ चुकी है बहुत अच्छा 90% आएंगे मेरे साथ एक ही तो पेपर हुआ जो मतलब मैं कह सकता हूँ भाई साहब इतनी पुर्जी थी मेरे पास एक क्वेश्चन नहीं आया ये मैं डालूंगा वैसे जिसको नहीं पता उसे बता देता हूँ कि ये ना बस मजाक करता है पूजियाँ ये नहीं मारता है ना हर बार हम थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट डालने के लिए थोड़ा पूजी वाला पार्ट डाल देते हैं और लेकिन बिना यूनिफॉर्म के देख के मेरी ही सबसे ज्यादा चेकिंग होती है और क्या दिल्ली में लेके नहीं जा सकता इसके तो मतलब टी शर्ट भी खुलवा चुके हैं इतना बुरा हाल है टी शर्ट खुलवा के कच्चा अंडरवेयर तो सबको पता है कौन सी पहन के आता लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी भूख भी लग रही है चलो कुछ खा रहे ला रहे कुछ हाँ मैं खिला दूंगा बस यही तो चाहिए चलो फिर मिलते हैं आगे जाके ला रहा है आज की पहली बार तो मैंने इतने पैसे लाए ना इतने ज्यादा ओहो ये देख रहे ये देख क्या कह रहे यार इसके चलो चलते हैं सो गाइस तो अभी फाइनली जैसे कि मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और आज का पेपर कुछ हमारा मीडियम ही गया मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं हो ज़्यादा बेकार भी नहीं हो लेकिन अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसकी कोई टेंशन नहीं है तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं और होप करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया अगर पसंद आया तो आप सबको पता है क्या करने का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अच्छे से ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय